मानिया हॉस्पिटल में दो दिन पहले ये एक चंचलवड़े के गैंग वार में मेरे बच्चे को बहुत शदीद जख्मी करके हॉस्पिटल लाया गया। आज दो दिन के बाद वो अपनी जान दे चुका है। मैं ये ड्रग्स चल रहा है या हैदराबाद में क्या चल रहा है नहीं पता। मैं हर इससे पहले भी मीडिया से अपील कर रहा है कि ये ड्रग्स को बच्चों को स्टूडेंट्स को क्यों नहीं कंट्रोल कर सक रहे, तो क्या बड़े बड़े टेररिस्ट को बड़े बड़े मुजरिमों को हम कहाँ पकड़ेंगे? हम बच्चों को नहीं पकड़ें और ये बच्चों को सज़ा दें ताकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इस तरह लूज ना छोड़ें। आज हमने अपना बच्चा खोया है, मेरा भतीजा मैं जान से चला गया है, मेरा भाई कोई स्टेटमेंट देने के काबिल नहीं है, उसके बिहाफ मैं आके इंटरव्यू दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जस्टिस हो और इन बच्चों को सख्त सजा दे ताकि माँ बाप को भी मैसेज मिले अपनी औलाद की कैसी तरबियत दे। दीन से दूरी, सोशल मीडिया में इतना इन्वॉल्व होके आप ड्रग्स ले रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, रातों पर फिर रहे हैं, ये किस तरह के माँ बाप है? ताकि ये बच्चों को सज़ा मिलेगी तो माँ बाप को सज़ा मिलेगी। आज हमने अपना बच्चा खोया है, आज हमारा बच्चा स्टूडेंट बच्चा किसी के गलत मशवरों में जाके हमने अपना बच्चा खो दिया। आज हमने बहुत बड़ा लाश करा है। हम चाहते हैं कि हमारे हैदराबाद की आवाम भी अपने बच्चों को सेफ रखे ताकि इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो। शहर में आए दिन हम पुलिस से बार बार अपील कर रहा हूँ कि ये बड़े बड़े टेररिस्टों को छोड़ो, इन बच्चों के पीछे लगो। इतनी आसानी से बच्चे मोटरसाइकिलों पे रातों में फिरते, इतनी होटलिंग करते, ये कैसे बच्चे हैं? कहाँ का हमारा माशरा है? ये हैदराबाद का हमारा ये कल्चर नहीं है, आज हमारे पेरेंट्स भी बच्चों को इस तरह छोड़ रहे हैं। आज बच्चे कहाँ चले जा रहे हैं? अपनी जान से दो दे रहे हैं, जेलों में चले जा रहे हैं। क्या हमने अपने बच्चों को इसीलिए तालीम दे रहे हैं कि हमारे बच्चे जेलों में जाए, हमारे बच्चे वक्त से पहले मर जाए? नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। मैं पुलिस से अपील कर रहा हूँ, बार बार सीपी साहब से अपील कर रहा हूँ। सीपी साहब ने बहुत अच्छे मैसेज देते, हम अप्रिशिएट करते हैं सीपी साहब का, लेकिन इस सब्जेक्ट पे प्लीज़ सीपी साहब, आप कमिश्नर साहब, आप एक्शन ले आगे चे। आप अल्लाह और गॉड को कोई अपने लिए कोई अच्छा काम करना है तो ये हैदराबाद से ये इस नालत को ख़त्म करे, इस एक्टिविटीज़ को ख़त्म करे। प्लीज़ डू समथिंग। हमने अपना बच्चा खोया है, आज हम किस तकलीफ़ में हैं हमको मालूम। हम उनके बच्चों के ऊपर चाकू तलवार लेके जाए? ये नहीं है, ये हमारा कल्चर है ना। हमने ये एजुकेशन नहीं पाया, आज हमारा बच्चा भी किसी गलत एक्टिविटीज़ में आके खोया। मैं चाहता हूँ कि दूसरे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सेफ रखे। पुलिस सख्त हो जाए। लड़ाई की बुनियाद क्या थी, लड़ाई शुरू क्यों हुई, लड़ाई की बुनियाद का कोई पता नहीं चला है। किसी बच्चे के साथ, महल्ले के बच्चे के साथ उसकी कुछ अनबन हो गई, उसके साथ हमारा भतीजा जाता है, उसको पता नहीं, उसके साथ मारना शुरू करते, वो अपने दोस्त के साथ इन्वॉल्व होता, वो बच्चा तो निकल जाता है जिसकी लड़ाई थी। मेरा भतीजा को 3-4 बच्चों ने घेर के सर पे पंचे मारते हैं, उसको मारते हैं, इमीडिएटली नीचे गिरता है, वहीं से कोमा में चला जाता है, दो दिन बाद दम छोड़ देता है। उसको पता ही नहीं है 7:30 बजे मेरा भतीजा घर में खाना खाया है। जैसा कि आपने अभी कहा है कि ड्रग्स का आवन जावन बहुत है शहर में, तो ड्रग्स लियर्स वाले कौन थे और ड्रग्स? ये पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन करे, ये पुलिस का काम है। ड्रग्स, अब हमें पता चल रहा बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, यही ड्रग्स की वजह से बच्चे आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। तो मुझे तो सख्त, मैं तो चाह रहा हूँ कि बच्चों के साथ माँ बाप को भी सजा दे, उनको भी फांसी पे लटकाए। ये कैसे माँ बाप है, इतना छोड़ देते अपनी औलाद को, इसीलिए पाल रहे, इसीलिए एजुकेशन दे रहे हैं? क्या एजुकेशन दे रहे हैं? एजुकेशन दे रहे हैं, इंजीनियरिंग करा रहे हैं, डॉक्टरी करा रहे हैं, लेकिन बच्चे एक्टिविटीज में इतना इन्वॉल्व, ये कैसे पेरेंट्स हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ सीपी साहब को इतना सख्त एक्शन ले, इनको अरेस्ट करें और मेरे बच्चे के साथ जस्टिस चाहिए। ये नहीं, ये वीडियो चलेगी और बंद हो जाएगी, नहीं। देखिए, हमने अपनी जिंदगी गुजार ली है, 4 दिन पहले एक डबी नागाबोली में मर्डर होता, क्या होता उसके बाद? नेक्स्ट ये होता, फिर एक नेक्स्ट होता, इसी तरह चलते रहेंगे हम? क्या हमारी उम्र में यही देखते रहेंगे? हमारा माशरा सुधरना नहीं चाहिए क्या? पुलिस के हाथ में फुल कंट्रोल है। हुकूमत उसको पावर दे, पुलिस को पावर दे, हुकूमत एक नया कोई लाए, कोई कानून लाए, इनको सख्ती से सख्त। ये ड्रग्स, इतना छोटा शहर हैदराबाद, इतना पाक
साफ शहर जाके ड्रग्स का अड्डा बनता जा रहा, ओल्ड सिटी ड्रग्स का अड्डा बन रहा। प्लीज प्लीज, मैं पेरेंट्स से भी, मैं तो चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स को भी पनिशमेंट दी जाए। क्यों अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते, ऐसे ही छोड़ देते। मेरे बच्चों को 4-5 बंदे मिलके मारे हैं इमीडिएटली। 2 घंटे पहले मेरा बच्चा घर में था, उसके बाद दवाखाने में सीरियस कोमा की हालत में जाता है, 2 दिन बाद दम तोड़ देता है। ये क्या है? हमने अपने बच्चों के इसलिए पाला, हमने अपने बच्चों के लिए इसीलिए एजुकेशन दिया कि अब किसी के मामले में जाए और जान दे दे। देखें प्लीज़, मेरे साथ जस्टिस किया जाए, मेरे साथ इंसाफ करें। मैं पुलिस से, हुकूमत से, सबसे अपील करता हूँ और मीडिया से भी, स्पेशली मीडिया से मेरी बहुत है, मीडिया बहुत ताकतवर है, इस चीज़ को फैलाए, इस चीज़ के ऊपर अपनी तरफ से कमेंट्स दे के ये पुलिस से मीडिया भी अपील करे, मीडिया भी इसको खोल के सामने लाए, आवाम के सामने लाए। ये जो ड्रग चल रहा है, ये माँ बाप कैसे है, इनको माँ बाप को भी पनिशमेंट दी जाए, बस मुझे और कुछ नहीं करना है। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम, रेमंड्स, रीड एंड टेलर, सियाराम और डिग जाम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन, सूटिंग्स, शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी, डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी, सदरी, कुर्ता पजामा और पगड़ी, बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजबी दाम में, बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मूसा बोली बिसाइड पिस्ता हाउस, हुसैनी आलम रोड, हैदराबाद।